चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर वेब पेज का कैसे बदलना है। तो सबसे पहले ये जो है, ये आप ये ऐप जो है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको टेक्स्ट एडिटर लगेगा और इसका आउटपुट आप ब्राउज़र में देख सकते हो। तो कौन से ब्राउज़र हैं? मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, देन माइक्रो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र से जहाँ पे आप आपका आउटपुट देख सकते हो। आपको अगर मोबाइल में प्रैक्टिस करना है तो मेरा एक चैनल दिया हुआ है, चैनल में मैंने डिटेल्स दी हुई है कि आपको कौन सा ऐप मोबाइल में आप HTML भी प्रैक्टिस कर सकते हो HTML टैग्स के। तो अभी हम ये वाले जो टैग्स है, ये बेसिक टैग्स है। ओके, बेसिक टैग मतलब जो नेसेसरी हमेशा हर कोडिंग के लिए लगेगा HTML के लिए। तो ये जो है हम HTML 5 कर रहे हैं, तो ये ऊपर की लाइन है, वो बताता है कि आउटपुट कैसे दिखना चाहिए। फिर HTML टैग है, देन हेड, टाइटल हम आप कुछ भी दे सकते हो, हेड, बॉडी। अभी हमें बैकग्राउंड कलर बदलना है तो उसके लिए बॉडी के साथ एट्रीब्यूट यूज़ करना है बीजी कलर। तो बीजी कलर आपको कहाँ यूज़ करना है? यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ पे स्पेस दे के बीजी कलर, आपको स्पेलिंग यही लिखना है क्योंकि ये प्रीडिफाइंड है, इक्वल टू देना है, डबल कोट्स ऑप्शनल है। आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे डबल कोट्स मैंने दिया, सपोज रेड कलर आना चाहिए। और ये मैसेज लिखा है विद इन बॉडी टैग, तो आपका ये वेब पेज का कलर जो है कौन सा हो जाएगा? रेड कलर। अभी हम देखते हैं, अभी ये जो ऐप मैंने यूज़ किया ये एंडराइटर ऐप है, ANWRITER एंडराइटर ऐप है, जो मोबाइल में भी चल सकता है। तो आप पूरी लिस्ट ऑफ ऐप मैंने दी हुई है एक यूट्यूब, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं इसका कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे रेड हुआ है। देखो बैकग्राउंड कलर रेड हुआ है बिकॉज हमने कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया है, हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है बीजी कलर। तो आप इस तरह से दूसरा कलर अगर बदलना चाहो, जैसे ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर आप दे सकते हो। सेव करना है इसको ऊपर और रन करने के लिए, क्योंकि मैं ये एंडराइटर आप प्रीव्यू देख रही हो, आप ब्राउज़र में देखना चाहते हो तो अलग ऑप्शन है। तो ये ब्लू कलर, ओके। तो आपको अगर ब्राउज़र में देखना है तो थ्री डॉट्स है वहाँ पे, मैं अलग चैनल में आपको दिखा दूँगी अलग वीडियो में। तो आप इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बैकग्राउंड कलर हो गया, सेम चीज़ हमें CSS से देखनी है। मतलब CSS क्या रहता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब आप स्टाइलिंग कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट का। तो सेम चीज़ अगर मुझे CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो आप वो इंटरनल इनलाइन या एक्सटर्नल CSS से यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? सपोज़ मुझे यही चीज़ इंटरनल CSS से यूज़ करनी है, बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो कैसे लिखना है? तो ये इनलाइन CSS है अभी जो मैं बता रही हूँ, तो इनलाइन मतलब एक ही एलिमेंट के लिए यूज़ होगा, तो मतलब बॉडी टैग के लिए ही यूज़ होगा। तो स्टाइल, आपको स्टाइल क्या लिखना है? एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, फिर आपको यहाँ पे डबल कोट्स देना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे इसको डबल कोट्स दे दो। तब ये यहाँ पे इसका चाहे तो इसको डबल कोट्स नहीं दिया तो भी चलेगा अभी। और कभी भी CSS डिक्लेयर कर दो तो आपको ये प्रॉपर्टी, अभी यहाँ पे बीजी कलर नहीं आएगा क्योंकि हम CSS यूज़ कर रहे हैं। तो CSS में बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए आपको प्रॉपर्टी बोला जाता है एट्रीब्यूट्स को। तो अभी आपको वो जो नॉर्मल बीजी कलर प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करना है, आपको यहाँ पे यूज़ करना है क्योंकि वो CSS का फॉर्मेट है। तो मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें देख सकते हो पूरे CSS की जानकारी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं पूरा CSS का एक्सप्लेनेशन आपको अलग वीडियोस के लिए बना दूँगी, सारे CSS का प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन। बैकग्राउंड आपको क्या लिखना है? हाइफन कलर, या तो डायरेक्टली सिर्फ बैकग्राउंड लिखो तो भी आएगा, कोलन, ये फॉर्मेट है आपको पता है CSS कैसे डिक्लेयर किया जाता है,
आपको फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है। तो आपको ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करने इक्वल टू, फिर ये प्रॉपर्टी है कोलन, ये वैल्यू है इसके, और डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज कर देना, इसको सेव कर लो। अभी हमने सेम चीज़ यूज़ की है बट हमने CSS यूज़ करके किया। तो CSS ये इनलाइन CSS है, तो ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, तो ये देखो आ गया, ये हमने इनलाइन CSS यूज़ करके किया। अभी हमें ये सेम ये जो है बैकग्राउंड कलर इंटरनल CSS, इंटरनल CSS क्या रहता है कि आप एक स्टाइल मतलब ये जो स्टाइल है आपको डिक्लेयर करना है हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के साथ, और वो चीज़ आप पूरे डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो, मतलब वो स्टाइल जो है इस करंट वेब पेज के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी कैसे करना है आपको, यहाँ पे अभी ये हटा देना है क्योंकि हमें अभी कौन सा स्टाइल यूज़, हमें इंटरनल CSS से बैकग्राउंड कलर बदलना है। तो ये कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे हेड सेक्शन में, क्योंकि हम अभी इंटरनल CSS कर रहे हैं, तो इंटरनल CSS के लिए आपको हेड सेक्शन में स्टाइल टैग लिखना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसमें। तो आपको ये लिखना है स्टाइल टैग टेक्स्ट CSS, फिर इसके अंदर आपको लिखना है कि आप कौन से सेलेक्टर के लिए, मतलब सेलेक्टर CSS में टैग को सेलेक्टर बोलते हैं, तो उसका लिखने का फॉर्मेट कैसे आपको लिखना है, बॉडी, मतलब मुझे बॉडी टैग के लिए, दैट इज़ बॉडी सेलेक्टर के लिए बैकग्राउंड कलर बदलना है। तो कर्ली ब्रैकेट ही फॉर्मेट है इंटरनल CSS का, तो आपको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनानी है। आप नीचे भी लिख सकते हो या तो डायरेक्टली आगे भी, तो मैं नीचे लिख रही हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगी सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखी थी नीचे, बैकग्राउंड, क्योंकि हम CSS यूज़ कर रहे हैं तो आपको बीजी कलर नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है बैकग्राउंड कलर हाइफन कलर। अभी मुझे इसका कलर ग्रीन रखना है, तो पहले कोलन यहाँ पे लिखो ग्रीन, अभी देखते हैं कैसे कलर दिखेगा। तो इसको आपको क्लोज किया कर्ली ब्रैकेट, तो इस तरह से मैंने ये इंटरनल CSS से बॉडी बॉडी का, दैट इज़ बैक यूजिंग बॉडी सेलेक्टर और ये एट्रीब्यूट बैकग्राउंड कलर चेंज किया। तो ये जो है ये फॉर्मेट है CSS का, कर्ली ब्रैकेट देना है, फिर ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है, और इसको सेमीकोलन से ये क्लोज कर देना या ऐसे रखा तो भी चलेगा। तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया ग्रीन कलर के साथ, तो ये इंटरनल CSS से हमें बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अभी हमें इस एक्सटर्नल CSS, अब एक्सटर्नल CSS क्या रहता है आपको, मतलब सेम स्टाइल बहुत सारे पेजेस में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल बनानी है, और ये लाइन हम हटा देंगे, तो उसके लिए न्यू फाइल बनाएंगे, उसमें आपको, तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ये लाइन हमें, मतलब ये सेपरेटली मैं मल्टीपल फाइल्स में यूज़ कर सकूँगी, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगी ये लाइन को नीचे तक कॉपी किया, एडिट में जाके कॉपी, और ये लाइन को हटा दूँगी क्योंकि अभी मैं एक्सटर्नल CSS क्या रहता है कि मैं ये स्टाइल ये पेज के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, दूसरे पेज के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, मल्टीपल पेजेस के लिए। तो एक्सटर्नल CSS का बहुत यूज़ होता है जब आपको सेम स्टाइल मल्टीपल पेजेस के लिए यूज़ करनी है। तो अभी हमने ये इंटरनल CSS हटा दिया, अभी हम सेम चीज़ क्या करेंगे, एक्सटर्नल CSS के साथ यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे करना है, अभी इसमें तो कोई स्टाइल है नहीं, तो हमें सेपरेट फाइल बनानी है, उसका नाम रखना है CSS, और इस फाइल में कौन सा टैग यूज़ करना है। तो पहले हम न्यू फाइल के लिए प्लस साइन पे क्लिक करो, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देती हूँ जो भी बनाया था। तो अभी ये जो लाइन है, अभी ये लाइन हम यूज़ करेंगे दूसरे पेज के लिए, ओके। तो आप यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करो, नहीं करो चलेगा, तब इसको सेव कर लो, इसको मैं सेव एस करती हूँ, इसका नाम मैंने रखा सपोज, इसको ध्यान में रखो जब भी आप CSS फाइल बनाते हो एक्सटर्नल CSS, आपको अलग से CSS फाइल बनानी है, उसका नाम सपोज मैंने इसका नाम रखा है स्टाइल 1, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्टाइल फाइल नाम बनी है, स्टाइल 2 देती हूँ,
और इसका एक्सटेंशन कंपलसरी आपको .css लिखना है। ओके, तो आपको इस तरह से स्टाइल कोई भी नाम दो, तो आपने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, ये फाइल का नाम अभी क्या है स्टाइल, एक बार वापस देख लो, इसका नाम मैंने रखा है, इसका एक्सटेंशन css ही होना चाहिए तभी आप, और इस फाइल का नाम क्या रखा मैंने style2.css, नाम कुछ भी दे सकते हो बट एक्सटेंशन .css ही देना है। किस टैग को हमने अभी, ये कौन से प्रॉपर्टी हमने, कौन सा सेलेक्टर यूज़ किया, सिर्फ बॉडी, सिर्फ बॉडी के लिए यूज़ होगा। अभी मैंने ये स्टाइल मुझे मल्टीपल फाइल्स के लिए यूज़ करनी है, तो मैंने जो पहले वाली फाइल बनाई थी मैं अभी क्या करूँगी, ये स्टाइल वो वाले फाइल में यूज़ करूँगी। वो फाइल का नाम है आई थिंक सो, वो फाइल का नाम है पीजी कलर। ओके, अभी मुझे वो स्टाइल जो है ये फाइल में यूज़ करनी है, तो क्या करना है आपको, हेड सेक्शन में लिंक टैग यूज़ करना है। तो हम अभी एक्सटर्नल css देख रहे हैं, तो एक्सटर्नल css में आपको क्या करना है, लिंक टैग यूज़ करना है और आपको यहाँ पे लिखना है टाइप लिखना है, पहले रिलेशन लिखना है, कौन सा टाइप ऑफ रिलेशन, तो हमें यहाँ पे लिखना है स्टाइल शीट, मतलब हमें लिखना है कि रिलेशन बिटवीन दैट फाइल एंड आवर फाइल। एंड यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, उसका नाम है टाइप, टाइप लिखना है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक css, मतलब हम बता रहे हैं कि हम ये टाइप, और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपको href, मतलब वो फाइल का रेफरेंस देना है यहाँ पे। तो वो फाइल का रेफरेंस, हमने वो फाइल का नाम क्या लिखा था, वो फाइल का नाम लिखा था style2.css, तो वो फाइल का स्टाइल कहाँ अप्लाई होगा, बॉडी टैग में, बिकॉज हमने सिर्फ बॉडी टैग के लिए css अप्लाई किया था, स्टाइल टू लिखना है क्योंकि मैंने वो फाइल का नाम स्टाइल टू, तो वो फाइल हमेशा उस, जब भी आप एक्सटर्नल फाइल css फाइल बनाते हो, वो फाइल में हमने कोई हेड बॉडी टैग यूज़ नहीं किया। तो अभी यहाँ पे आपको वो फाइल का स्टाइल ये फाइल में यूज़ करना है, तो हमने कहाँ लिखा था वो बॉडी टैग के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो कलर जो है उसमें हमने उसका कलर क्या रखा था, ये फाइल में ग्रीन रखा था, किस टैग के लिए, बॉडी टैग के लिए, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर देखो अभी ग्रीन हो जाएगा, ये हो गया ग्रीन। मतलब हमने क्या किया, एक बार देख लो, ये फाइल बनाई तो लिंक टैग से हमने वो फाइल का स्टाइल यहाँ पे अपने href से वो फाइल का नाम दिया ऑटोमेटिकली, इसलिए वो फाइल में जो भी स्टाइल हमने अप्लाई किया है वो ये फाइल में अप्लाई हुआ। अभी ये तो हमारी ये फाइल का नाम क्या है देख लो एक बार, ये फाइल नॉर्मल फाइल है, इसका एक्सटेंशन bgcolor और .html दिया है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, सेम स्टाइल जो है, जो ये वाली स्टाइल जो है, हम ये वाली दूसरे फाइल में भी यूज़ करेंगे, मतलब बीजी कलर को ग्रीन करेंगे दूसरे फाइल में भी। अभी मैं यही फाइल को दूसरा नाम देती हूँ, bgcolor1। तो अभी ये सेकंड फाइल है जिसमें मुझे क्या चाहिए, तो इसमें मैं इसका नाम सपोज bgcolor1 नाम दे दिया। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें भी इसका नाम, अभी ये दूसरी फाइल है, ये मेरी फाइल दूसरी है, इसका नाम मैंने लिखा page2। ओके, ये वाली फाइल दूसरी फाइल है, सेम लाइन मैंने लिखी, ये सेम लाइन है। अभी मतलब ये फाइल में भी मैं क्या कर रही हूँ, ये page2 में भी क्या कर रही हूँ, ये कलर यूज़ होगा। मतलब ये वाली फाइल मैंने वो दूसरे फाइल में भी यूज़ की bgcolor में, जो फाइल का नाम bgcolor.html था, अभी ये वाली फाइल का नाम bgcolor1.html। तो मैंने सेम स्टाइल जो style2.css में यहाँ भी अप्लाई की, तो देखो ये फाइल में भी आ गई वो स्टाइल। तो इस तरह से एक्सटर्नल css का यूज़ होता है। तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और आपको अगर और जानकारी चाहिए